मुरैना में रेत माफियाओं पर लगातार कार्रवाई करने वाली एसडीओ श्रद्धा पांडरे और वन अमले पर माफियाओं ने एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन पर जानलेवा हमला किया। हथियारबंद रेत माफिया वन अमले के चालक को बंधक बनाकर जब्त रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को हथियारों की नोक पर छुड़ा कर ले गए। वहीं वन अमले ने भी जवाबी कार्रवाई में एक रेत माफिया को गिरफ्तार किया और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू की है। बिसनपुरा गांव के पास वन अमले ने अवैध रेत से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था। इसी दौरान हथियारबंद रेत माफिया ने वन अमले पर फायरिंग शुरू कर दी और वहां से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर भाग गए। बिसनपुरा गांव में एक रेत का ट्रैक्टर ट्रॉली आता हुआ दिखाई दिया जिसे हमारे स्टाफ के द्वारा पकड़ा गया। वाहन चालक के द्वारा जब पकड़ रहे थे तब उन्होंने फोन से सूचना करके दो तीन मोटरसाइकिलों में व्यक्तियों को बुलवा लिया गया, रेत माफियों को, जिनके द्वारा हमारे स्टाफ पर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई और जो जब्त ट्रैक्टर ट्राली था चंबल नदी का उसको भी लूट लेकर गए। कल इसमें एसडीओ फॉरेस्ट के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र यहाँ थाने पर लाकर दिया गया था उसके अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। उसमें एक प्रथम सूचना पत्र कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है और जिसमें उनके द्वारा घटनाक्रम में एक ट्रैक्टर बरामदगी का आरोपियों द्वारा ले जाना बताया था। FIR पर पंजीबद्ध करके विवेचना की गई है। उनके द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इसे सुपुर्दगी में प्राप्त करके अभी न्यायालय पेश किया जाएगा।